हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। इन दोनों वृत्तों का यदि हम क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ दें तो वो क्षेत्रफल इस तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या प्राप्त करना है, बस यही प्रश्न है। तो आपको देखना है कि प्रश्न में दिया हुआ क्या है और आपसे उत्तर क्या मांग रहा है। प्रश्न में दिया हुआ है पहले वृत्त की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, तो चलिए पहले वृत्त की त्रिज्या हमने R1 मान लिया बराबर 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 6 सेंटीमीटर और तीसरे वृत्त की त्रिज्या R3 हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ हमने प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, निकाल के जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद ये तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर कर देते हैं, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो चलिए हम लोग वही करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, पाई आर, तो पहला वृत्त का त्रिज्या हमने R1 माना है तो पाई R1 स्क्वायर कर देते हैं, ये बराबर हो गया। पाई को रहने दीजिए, पाई का मान 22/7 न लें। अब देखिए पाई R1 का मान है 8, तो गुना 8 स्क्वायर, तो ये हो गया 64 पाई, हो गया 64 पाई। चलिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। अब हम दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त करते हैं। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R2 माने हैं दूसरे वृत्त की त्रिज्या, तो ये R2 स्क्वायर हो गया, पाई रहने देते हैं और R2 का मान है 6 सेंटीमीटर, तो 6 स्क्वायर हो गया, तो 6×36 पाई हो गया 36 पाई। देखिए सेंटीमीटर में है तो यहाँ भी आप सेंटीमीटर कर दीजिए। तो चलिए आप तीसरे वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं। तीसरे वृत्त की त्रिज्या पाई आर थ्री स्क्वायर, तो यहाँ तो हमें त्रिज्या निकालना ही है, त्रिज्या का मान हमें मालूम नहीं है तो इसको अभी हम यहीं छोड़ देते हैं। तो चलिए आप प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या कहता है कि पहले दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ हम लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी यहाँ लिख देते हैं पहले वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए यहाँ संक्षेप में लिख देते हैं। तो देखिए पहला वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है, पहला वृत्त का क्षेत्रफल है 64 पाई जोड़ दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल है 36 पाई बराबर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर थ्री स्क्वायर। ये त्रिज्या का नाम है R3, इसको अन्यथा हमें नहीं लेंगे। तो चलिए 64 और 36 कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, ये हो गया 100 पाई बराबर हो गया पाई आर थ्री का स्क्वायर। चलिए पाई अब हम यहीं से काट देते हैं, पाई और पाई काट दिए, तो R3 स्क्वायर बराबर हो गया 100, तो हो गया हमारे पास क्या, R3 स्क्वायर बराबर 100। चलिए यहाँ बना लेते हैं, बाकी R3 बराबर स्क्वायर रूट कर देते हैं इधर 100 पर। देखिए यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट आएगा, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 100। लेकिन ऐसी परिस्थिति में यहाँ प्लस माइनस होता है, यानी प्लस माइनस 10, तो देखिए रेडियस, ये तो त्रिज्या कभी माइनस में हो नहीं सकता है नेगेटिव में, तो ये 10 सेंटीमीटर आंसर निकल गया। तो देखिए तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमें प्राप्त हो गया। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।